हेलो गाइस, तो आज हम सिल रहे कलीदार लेंगे। तो हम इसमें 30 कली का लहंगा बनाने वाले। तो इसको नाप लेंगे, नाप नाप में प्लस टू कर लेंगे, उसी के अनुसार नाप के रख लेंगे, कटिंग कर लेंगे इसकी। निशान लगा लेंगे इसे तिरछा करके। मेरी 37 लंबाई है, तो मैंने इसको 37+1 करके काटा है दो। फिर ऊपर दो 2 इंच का नेपा लग जाएगा। फिर काटने इसी के नाप पे दूसरी कली हम काट लेंगे। इसी की साइज की कटेगी दूसरी कलियां। ऐसे रख रख के हम सारी कलियां काट लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे ऐसे कर करके और सारी कलियां काट लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी गलती पूरी लहंगे को खराब कर देती है। तो हम इसमें 30 कलियों का लहंगा बना के तैयार करेंगे। इसको बहुत गहरा आएगा, 5 मीटर कपड़ा लिया है। इसी के नाप पे सारी कलियां काट लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके लिए नीचे हम 3 3 मीटर अस्तर लिया है। ऐसे सारी कलियां मिला मिला के आप काट देनी चाहिए, अच्छे से काटे। फिर इसको बाद में जोड़ेंगे जब बताएंगे आप आगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
पूरी कलियां मिला मिला के काट लेनी। तीन इंच पे निशान लगाना है, तीन भी ले सकते हो, चार भी ले सकते हो। अब अस्तर काटेंगे इसके नीचे के, तो अम्ब्रेला कट की तरह कर लेंगे इसको, पार्टन को मिला लेंगे। अम्ब्रेला कट की तरह 3 मीटर अस्तर लिया है मैंने, उसी तरह कटिंग काट ली मैंने। अम्ब्रेला कट की तरह अस्तर काट के रख लिया मैंने, पूरी कलियां काट ली। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, अगला पार्ट देखना दूसरा वाला, जिसमें मैं कलिया जोड़ूंगी, लहंगा सिलूंगी, बहुत ही सुंदर लहंगा बनेगा इसका। तो सीख रही तो ऐसी वीडियो देख लेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैंने काट के रख ली कलियां।